हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग ब्लॉग अपलोड करेंगे। तो अभी हम थे घर के आंगन में, तो घर के आंगन का वातावरण कुछ ऐसा था। तो अभी मुझे करना है कुछ काम, तो पिछवा निकल आते हैं। तो ये काफ़ी पुरानी धन्नी है, इन सभी धन्नों को कुल्हाड़ी द्वारा मुझे फाड़ना है। वो सभी धन्नों को फाड़ने के बाद अब निकल आते हैं घर से बाहर खड़ारा लेकर, वो भी घेर के लिए, क्योंकि अब मुझे लगाना है घेर में झाड़ू। तो गेट खुलने के बाद हम घेर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, फिर गेट लगा देते हैं। सभी बकरियाँ आराम से अपनी अपनी जगह बैठी हुई हैं। सुबह सुबह का समय था तो सभी बकरियाँ सो कर बैठी हुई थी। इतनी सारी बकरियां अपने घर पर ही रहती हैं, तो एक व्यक्ति के कारण अगर इतने जानवरों की जान बचाई जा सकती है तो क्यों ना ये काम किया जाए। तो इसलिए हमारे घर पर इतनी काफी बकरियां हैं। तो हम घेर में खड़ा लेकर इसलिए आए थे क्योंकि मुझे झाड़ू लगानी। तो इन सभी बकरियों को मड़ा से हाँकने के बाद इनके आंगन में कर देते हैं। तो बकरियां आराम से लकड़ियों में उज जाती हैं, मतलब अपना दिनचर्या व्यतीत करने लगती हैं। तो ये सारा काम हम निपटाने के बाद अब हम निकल आते हैं घर से बाहर, हेडफोन लेकर, अंगोछा लेकर और दराती लेकर खेतों के बीच में, क्योंकि मुझे जाना अपने धान काटने के लिए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, आ चुके हैं खेतों के बीच में। काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह का समय था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओस छाई हुई थी, इसलिए मेरी लोअर पूरी भीग चुकी थी। अब मैंने अंगोछा साइड से रख दिया है, बोले तो गमछा और मोबाइल को साइड से रखने के बाद हम लग जाते हैं धान काटने के बाद। तो इतना धान काट दिया है, हम धान काटने के बाद ही घर जाएंगे। तो इतनी मात्रा में धान काट चुके हैं और पिताजी साइड से धान काट रहे हैं। तो सर हर किसी काम में टाइम लगता है, जैसे कि अगर आप धान की फसल कहेंगे तो उसका पहले बीज लेके आना है, फिर उसको बहना है, फिर उसकी पौध होगी, पौध होने के बाद फिर खेतों में लगाना है, समय समय पर पानी दे रहा है। 4 से 5 महीने व्यतीत करने के बाद कहीं धान जाके तैयार हो पाता है, फिर धान को काटना है, फिर उसके बाद थ्रेसर से काटना है, थ्रेसर से काटने का फिर घर पहुंचाना है, घर पहुंचाने का फिर जाता है मंडी। तो अब हम आ चुके हैं घर, तो अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है सेकंड आज ब्लॉक का दूसरा दिन है, धान कटाई का भी दूसरा दिन है। हम आ जाते हैं फिर खेतों के बीच में उसी ड्रेस में, पानी लेकर और बोतल लेकर आज स्टैंड लेकर भी जा रहे हैं। और काफी अच्छी मात्रा में सूर्य जिस नाली के द्वारा सभी खेतों में पानी लगाया जाता है, तो उस नाली में अभी घास जमी हुई खड़ी है, अभी पानी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी सब किसानों की फसलें कट रही हैं। इसलिए अगर बम्बा में पानी आ भी जाता है धोखे से पूरी फसलों को बर्बाद कर देगा, इसलिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा है बम्बा में। तो हम आ जाते हैं अपने खेतों पर, जितना खेत कल कटा हुआ छोड़ गए थे उतना ही खेत कटा हुआ है, पिताजी ने थोड़ा एक्स्ट्रा और काट दिया था। तो अब अपना सारा सिस्टम साइड से रखने के बाद, गमछा को साइड से रखने के बाद, हेडफोन लगाकर नाती उठाकर अपने कटाई करने में लग जाते हैं। तो पूरी तरीके से कटाई करने लग जाते हैं, काटते 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 थक जाते हैं, फिर आराम आराम से काटने में लग जाते हैं। तो अब मैंने पूरी तरह से पूरा खेत काट दिया था, तो आप पूरे खेत का व्यू देख सकते हैं। तो अब 22 हार में सभी लोगों के धान पक चुके थे, इसलिए सभी किसान एक दूसरे का देख अपने खेत काटने के लिए आ चुके थे। अब हम अपना सारा सामान उठाने के बाद वापस घर के लिए आ जाते हैं। और घर आकर देखते हैं तो आराम से सड़क पर जानवर बैठे हुए थे, मेरी तरफ देख रहे थे। हम पहुंचने वाले हैं सीधे अपने घर के लिए। तो अपने घर पहुंचने के बाद देखते हैं तो मेरी भैंस वैदिक आज रात में पटरा से, तो आप देख सकते हैं यहाँ का बीफ अब मेरे घर पर 3 सदस्य हो चुके हैं जानवरों के। लोग लाइक कमेंट से सब्सक्राइब बेल आइकन प्लीज।